नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं रीनू यादव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। अखंड भारत के बयान पर पाकिस्तान की आपत्ति पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पाकिस्तान लाख आपत्ति जताए, लेकिन विस्थापित शरणार्थियों के आने के पहले अखंड भारत ही था। तो अतीत के अखंड भारत के हिस्से को लेकर आज भी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा हमारे राष्ट्रगान में हैं। आपत्ति करने से बात समाप्त नहीं हो जाएगी, ये बड़ा बयान सामने आया है। और आप ये देखिए कि इस बयान के बाद से हलचल भी मची हुई है। अखंड भारत के बयान पर पाकिस्तान की आपत्ति पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पाकिस्तान लाख आपत्ति जताए, लेकिन विस्थापित शरणार्थियों के आने के पहले अखंड भारत ही था। अतीत के अखंड भारत के हिस्से को लेकर आज भी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा हमारे राष्ट्रगान में हैं। आपत्ति करने से बात समाप्त नहीं हो जाएगी। लाख आपत्ति जताई, हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए, शरणार्थी आए, उसके पहले तो अखंड भारत था ही। तो ननकाना साहब सहित जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे, उनको लेकर के तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई के आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी।